प्लीज ये वीडियो पूरी देखना यार। वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोल रहा हूँ यार, प्लीज पूरी देखना। मुझे पता है बढ़िया, बट प्लीज एक ये वीडियो पूरी देख लो प्लीज। बता दो, आई विल क्विट, मैं लास्ट वीडियो बना दूंगा, बस खत्म। फिर तो गाइस, आज मुझे आप लोगों से एक बात करनी है छोटी सी। जब से मैंने डेली व्लॉग्स बनाने शुरू करे हैं, तो जो मेरी रेगुलर व्यूइंग होती है वो होती है 150, 160 या 200 आती है, कभी कभी 400 भी जाती है। तो जब से मैंने डेली व्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं तो वॉचिंग बहुत कम कर दी है, मतलब 20, 40, 60, 70, मैक्स टू मैक्स जा रही है 80 या 90, और कोई एक दो व्लॉग हैं जो 100 प्लस गए हैं, उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा है 100 प्लस। तो यार देखो, मुझे पता है डेली व्लॉग्स किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते हैं पसंद, बट यार देखो, कोई भी ऐसा नहीं होता कि उठते ही सौरभ जोशी व्लॉग्स बन जाए। आप जानते हो सौरभ जोशी व्लॉग्स, सौरभ जोशी को जानते हो, फ्लाइंग बीस को जानते हो गए, जट प्रभजोत सर को जानते हो गए। तो इन लोगों ने भी काफ़ी मतलब छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, इनके भी व्यूज़ काफ़ी कम आते थे। आई नो दैट ये कम होते हैं, बट इतने कम नहीं होते यार। अगर देखो, मैं मानता हूँ कि व्लॉग्स मेरे इतने अच्छे नहीं होंगे, किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं भी आते हैं, बट कम से कम आप एक बार चेकआउट तो करो। अगर एक व्लॉग अच्छा नहीं है तो दूसरा शायद अच्छा हो, दूसरा अच्छा नहीं है तो तीसरा अच्छा हो, एक बार पूरा देखो। अगर देखो पूरा नहीं देखते हो तो आप क्या कहते हैं, वॉचर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप फुल, मैं इसीलिए छोटे ब्लॉग रखता हूँ, मैं 5-6 मिनट के ब्लॉग रखता हूँ। कल वाला जो ब्लॉग था, ब्लॉग कल या परसों वाला जो ब्लॉग था, 3 या 4 मिनट का ब्लॉग था यार। तो अगर आप दिन में से 3-4 मिनट मेरे लिए निकाल लोगे तो इतना तो कर लोगे ना यार, प्लीज़। देखो आप व्यूज़, मतलब ये नहीं कह रहा मेरे को चाहिए 1K व्यूज़, 2K व्यूज़, ये नहीं, एटलीस्ट 100 व्यूज़ कर दो यार, शेयर कर दो यार, जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको बोल दो। क्योंकि देखो, जितने कम व्यूज़ आते हैं ना, उतना हमें फिर डीमोटिवेशन भी होता है। अगर आप लाइक करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट डालते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइक करते हो, व्यूज़ आते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और व्लॉग बनाने का मन करता है। बट जब ऐसा होता है ना, तो व्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। और भाई मैं भी फिर सोचता हूँ ना कि यार डेली व्लॉग बना रहा हूँ, कुछ होगा कि नहीं, मैं डेली की 2 वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि देखो, यूट्यूब पे जो है सब कंसिस्टेंसी बेस्ड है, जितना ज़्यादा आप यूट्यूब पे एक्टिव हो उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे को पता है, मैं 2.28 9 9K से वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, 2.29K से डेली व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज 2.31K हैं, और वो भी थोड़ी देर में 2.32K होने वाले हैं, 2 या 4 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। हाँ, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं यार, वो तो है, बट यार मैं अगर देखो डेली 2 वीडियो डाल रहा हूँ, एक लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, एक ब्लॉग डाल रहा हूँ, तो एटलीस्ट लाइव स्ट्रीम का देखो मैं कहूँगा, लाइव स्ट्रीम पे अगर मेरे 50 व्यूज़ भी आता मैं खुश हूँ, बट ब्लॉग पे एटलीस्ट मैं 100 व्यूज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, एटलीस्ट 100 व्यूज़। क्योंकि यार इतना बड़ा अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स और इतने कम व्यूज़, यार कोई भी मतलब ये कहेगा कि भाई तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहे, तो भाई हमें भी डीमोटिवेटिंग लगता है। भाई मैं कब तक दूसरों को कहता रहूँ भाई स्टोरी पे लगाओ, स्टोरी पे, मैं कहता ही नहीं हूँ स्टोरी पे लगाओ। भाई जो लेजेंड व्यूअर्स हैं वो आओ भाई देखो, जो नोटिफिकेशन से आते हैं, बस इंस्टा पे एक स्टोरी लगा देता हूँ, जो देखता है वो आ जाता है, जो नहीं देखता वो नहीं आता है। तो जट प्रभजोत सर ने अपनी 2-3 वीडियो में कहा, काफ़ी और भी यूट्यूबर्स ने मुझसे कहा है कि भाई आप 30 डेज व्लॉग बना के देखो, 30 डेज रेगुलर वीडियो डाल के देखो, 40 डेज 50 डेज डाल के देखो, जरूर उठेगा। और मैंने देखा है यार, देखो MP04 राइटर भैया हैं, उनसे मेरी बात होती है, वो 30 डे ब्लॉग कर रहे थे, उनका चैनल ग्रो हुआ है, काफ़ी हुआ है, अभी उनके 300K भी होने वाले, कॉन्ग्रेट्स फॉर इट। और सौरभ जोशी ब्लॉग से उनके 100K थे लास्ट ईयर, उन्होंने डेली ब्लॉगिंग की पूरे ईयर की, अब उनके 7 मिलियन हो रखे हैं भाई, 7 मिलियन प्लस हैं भाई, अब 8 मिलियन हो जाएंगे मेरे को लग रहा है 1 महीने में या 2 महीने में। यार मैं भी वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, सबका कंटेंट अलग होता है, मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ मैं सोलो कंटेंट बना रहा हूँ, मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि फैमिली मेंबर में, देखो मेरे शाही हैं वो नहीं आते हैं कैमरा में, और मैं फ्रेंड्स से ज़्यादा मिल नहीं पाता हूँ ड्यू टू कोविड रीजंस, और बाकी और मेरे फ्रेंड्स को भी और भी काम होते हैं भाई, तो मैं उनको बार बार ये नहीं देता भाई व्लॉग बनाने आ जाओ। और मैं डेली व्लॉग भाई देखो पूरे दिन का व्लॉग होता है, पूरे दिन कोई दोस्त साथ नहीं रह सकता, उसे भी अपने काम करने, उसे भी अपने घर के काम करने हैं। और मैं धीरे धीरे बाहर के व्लॉग बना रहा हूँ, कल आपने व्लॉग में देखा होगा कि भाई मैं बाहर भी गया, वहाँ पे बनाया। छोटा व्लॉगर कभी एक बड़े व्लॉगर से आप कंपेयर मत करो, क्योंकि जो बड़ा व्लॉगर है कभी वो भी छोटा व्लॉगर था। तो मैं वही समझा रहा हूँ, एटलीस्ट आप 100 व्यूज़ दो, और चलो 100 व्यूज़ मत दो, आप 80, 90, 70 दे दो, बट नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, उससे आप बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, और एक
बात और है, अगर आप लाइक और कमेंट करते हो ना तो पता है यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन में होता है। और प्लीज़ जितने भी 5 या 6 मिनट के वीडियो होते हैं ना पूरा देख लिया करो, 5 मिनट निकाल लो उस दिन के। और मैंने टाइमिंग बना दिया सुबह 10 बजे ब्लॉग आएगा। अगर नोटिफिकेशन आया तो एक बार चैनल पर चेकआउट कर लेना कि भाई भाई ने वीडियो डाली है नहीं डाली है, बस इतना कर लो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, चार बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं और थोड़े थोड़े वॉचार्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी सही आ रहे हैं, मतलब व्यूज़ उसमें दिखा रहे हैं। बट वो पता है क्या है, व्यूज़ जो उसमें दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं दिन के 120-130 व्यूज़, और कल वाली जो मैंने वीडियो डाली है उस पर वैसे 30 व्यूज़। भाई ऐसा इतना ज़्यादा हुआ, तभी मैंने आज आपसे बात की, क्योंकि देखो दिन के 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो ये भाई कोई वो नहीं है, यूट्यूब दिखा रहे हैं आपका ग्रो कर रहा है, बट ये नहीं। मेरे को एटलीस्ट देखो, मैं स्ट्रीम से 50 व्यूज़ तो हो जाते हैं मेरे, नॉर्मली 40 हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरे व्लॉग से 100 व्यूज़ हो रहे हैं तो दिन के 150 व्यूज़ तो हों। अब धीरे धीरे जब वो रिकमेंडेशन में जाएगा कमेंट्स से और लाइक्स से, तो वो क्या कहते हैं, वो 200 व्यू होगा, 300 व्यू होगा, तो यार हम साथ में ग्रो करेंगे। देखो मेरे और भी दोस्त हैं यूट्यूबर जो हैं, उनका भी ये सीन चलता है, भाई आप कमेंट वगैरह करते नहीं हो। मैं उनका ये नहीं कहूँगा कि देखो यार सबका कंटेंट अलग होता है, किसी का पसंद आता है किसी का नहीं आता है। अगर आपको मेरा कंटेंट नहीं पसंद है तो आप मेरी मिस्टेक्स बताओ, आप ये मत करो, इग्नोर मत करो, मिस्टेक्स बताओ मेरी कि मैं क्या मिस्टेक करूँ। देखो मिस्टेक को मैं सही करने की कोशिश करूँगा, और जो आपको अच्छा लगता है वो भी कमेंट डाउन करो कि ये बात अच्छी है। क्योंकि देखो मान लो किसी को मेरी ये एक चीज़ मिस्टेक लग रही है, किसी को अच्छी लग रही है, तो भाई मैं अगर मिस्टेक वाले की बात मानूंगा तो वो वाले को मिस्टेक लगेगी फिर, तो ये मेरे को सबको देखने चलना पड़ता है। तो भाई देखते हो तो कमेंट जरूर कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो भाई, डॉट बना दो, हाय बना दो, या फिर बताओ कि भाई आप ये मिस्टेक कर रहे हो व्लॉग में, ये कमी है व्लॉग में, ये है क्वालिटी डाउन है, वॉइस सही नहीं है, या फिर आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, या आप सही से नहीं दिखा रहे हो व्लॉग्स, ये बताओ मेरे को। और मैं लाइव भी करता हूँ, आपको कमेंट नहीं करना, लाइव में आओ बात करो मुझसे, मैं डायरेक्ट ऑन फेस जवाब दूंगा, मैंने जो बोलना था मैंने तो बोल दिया। लाइक और कमेंट कर दो यार, प्लीज़ समझा करो यार ये व्यू। चलो इस वीडियो के लिए एक एम रखते हैं, हम रखेंगे ज़्यादा बड़े एम नहीं है, 20 लाइक्स कर दो और 15 कमेंट कर दो बस। मैं लाइक भी करूँगा और इंस्टा पर स्टोरी भी लगाऊंगा कमेंट करने की, जो मुझे कमेंट अच्छा लगेगा, और यहाँ पे अगली वीडियो में भी डालूंगा कि क्या क्या कमेंट आया है भाई, किसने क्या कमेंट किया। इस वीडियो को देखो मैं शेयर कर रहा हूँ सबको, क्योंकि भाई मेरे को यही बात सबको बतानी थी। और इस वीडियो को यार पूरा ज़रूर देखना, ये मैं पार्ट आगे डालूंगा इसलिए मैंने ऐसा बोला है इसमें, क्योंकि भाई अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो भाई कोई नहीं देखेगा। तो आज की जो वीडियो है इसके टॉपिक मैंने यही रखा होगा, डाइक क्विट यूट्यूब। पूछना चाहूँगा अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते हैं, मेरी स्ट्रीम्स पसंद नहीं आते तो बता दो, आई विल क्विट, मैं लास्ट वीडियो बना दूंगा बस खत्म, फिर नो मोर यूट्यूब वीडियोस। तो काफ़ी लोगों ने कहा भाई 30 डे ब्लॉग करो, आप 30 डे ब्लॉग करो, आपके चैनल पे बहुत ग्रोथ मिलेगी। MP04 राइटर ने कहा है मुझसे, स्टोन भैया ने कहा है, प्रतीक भाई ने कहा है, चिन्मय भाई ने कहा है, मतलब जितने भी हैं, मतलब सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार विजिट करा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब्सक्राइब करो, एक बार देख लेना उनके चैनल्स प्लीज़। अगर ये ज़्यादा मैंने बात कर ली है तो मैं इतना ही रखूँगा व्लॉग, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा खींचूँगा फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा व्लॉग बना दिया इसने। मुझे यही बात करनी थी बस, थोड़ा सा ऐसा अजीब सा फील हो रहा था कि भाई 30 व्यूज़ इतना कम, तो भाई वही हाँ, बट ये है मोबाइल में कभी कभी ग्लिच भी होता है। तो क्रोम में मैंने देखा था उसमें 28 व्यूज़ थे, इसमें देखा था 19 व्यूज़, तो वो ग्लिच चलता रहता है। अगर आपको दिखा रहा है 19 व्यूज़ तो ये मत सोचना कि 19 व्यूज हो सकता है ज़्यादा भी हो, हल्का सा शेयर कर दे करो। मैं ये नहीं कह रहा सबको शेयर करो, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आप शेयर कर सकते हो बस उनको कर दो, जो आप देखने आएंगे इस वीडियो पे प्लीज़ 20 लाइक्स और 15 कमेंट। बस मुझे यही बात करनी है आपसे, हम छोटे ब्लॉगर हैं यार, आप लोग हमारे साथ रहोगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे, वरना हम कुछ भी नहीं है। तो यार देखो मैंने जैसे ही बताया मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ, वो मैं डालूंगा, काफ़ी टाइम तक डालूंगा, देखता हूँ कब तक ग्रो नहीं होता। मैं एटलीस्ट 30 डेज करूँगा, नहीं होता फिर मैं समझ भाई बहुत देर बात कर लिया आज आपसे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, और ये पार्ट बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं बस यही पार्ट डालूंगा और कुछ नहीं डालने वाला वीडियो में प्लीज़। तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, बाय बाय।